हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये अगर आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम क्लास 11th। माई नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है यानी कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले वो हैं डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको डिफरेंशिएट करना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से इस क्वेश्चन का आंसर लर्न कर सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग को आंसर प्रोवाइड करूंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में आपको डिफरेंसेज लर्न करने हैं, कम से कम 4 डिफरेंसेज आपको मिनिमम लर्न करके जाने ही जाने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपको सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी ये, डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको डिफरेंशिएट करना है बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। बच्चे जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपसे इनडायरेक्ट फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, केस स्टडी की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस को पूछा जा सकता है केस स्टडीज की फॉर्म में। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पता है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में आपको बताना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, कौन कौन से इसके कॉजेज होते हैं आपको पता होने चाहिए। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेड के कितने टाइप्स होते हैं और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। 6 के 6 क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की एक्सप्लेनेशन आपको बताना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मेरिट्स क्या और लिमिटेशंस क्या। 3 मेरिट्स और 3 लिमिटेशंस भी कर लोगे तो काम चल जाएगा बहुत अच्छे से, आप लोगों का अच्छा स्कोर आप लोगों का आ जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स होते हैं सबकी आपको एक्सप्लेनेशन बतानी चाहिए, चाहे वो एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है या पार्टनर बाय एस्टोपल है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताना चाहिए आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में बताना चाहिए और मेरिट्स और लिमिटेशंस को आपको मिनिमम 3-3 लर्न करके जाने हैं, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न करके जाना प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब भी हम एक कंपनी को फॉर्म करते हैं उसके कुछ स्टेजेस होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ अ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम एक सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं तो कुछ फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के क्या क्या फीचर्स होते हैं आपको पता नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। आपको बेसिकली बोलेगा कि एक शॉर्ट नोट लिख दो पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, एक्सप्लेन करने को आ सकता है और केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे जिसका आंसर बेसिकली आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, ठीक है। फोर्थ चैप्टर पे आते हैं बच्चों, बिजनेस सर्विसेज पे। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन एंड कॉज प्रोक्सिमा एज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये सारे के सारे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में बताना चाहिए, चाहे वो अटमोस्ट गुड फेथ है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज प्रोक्सिमा है, या फिर जितने भी आपके सारे के सारे आपको इन सब की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। सारे के सारे आपके प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, इस पे बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट टेलीकॉम सर्विसेज। जो भी टेलीकॉम सर्विसेज होती है इसकी यूटिलिटी क्या है, इसके यूजेस क्या आपको बताने हैं।
फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर, मरीन इंश्योरेंस सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ चैप्टर है बच्चों आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन ई बिजनेस, ई बिजनेस को एक्सप्लेन कर दो, ई बिजनेस का स्कोप क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, ई बिजनेस के यानी बेनिफिट्स क्या है और ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये चार क्वेश्चन आपके इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशियंट है। चारों के चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा आप लोग मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, आप इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिलते रहे। बात है हम लोग आपके चैप्टर नंबर 6 पे, चैप्टर नंबर 6 है बच्चों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिजनेस की वो आपको पता होना चाहिए, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यानी कि बिजनेस की क्या होती है, ऑनर्स के टूवर्ड्स, इन्वेस्टर के टूवर्ड्स, कंज्यूमर के, एम्प्लॉइज के, गवर्नमेंट के और कम्युनिटी के टूवर्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है स्टेट द मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सब आपको पता होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको पता होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासीफाई द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इनटू ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड्स में बच्चों कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बताना चाहिए आपको, बॉन्ड्स हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, कमर्शियल बैंक से लोन हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया और ICDs हो गए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो गए, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एट्थ चैप्टर है बच्चों आपका स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी के बारे में आपको बताना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया, स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है इंडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए, कम से कम आप लोग इसको एक पैराग्राफ में याद करोगे तो भी चल जाएगा और पॉइंट्स मिलन करोगे तो 5 से 6 फीचर्स को आपको देख के जाना है स्मॉल बिजनेसेस के। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज NSIC एंड DISA विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल बैकवर्ड एरिया, बेसिकली आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है, चाहे वो NSIC है, DISA है, इन सब के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए रूरल और बैकवर्ड एरिया के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं बच्चों यानी कि इंटरनल ट्रेड, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ होलसेलर एंड अ रिटेलर, बेसिकली क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स और रिटेलर्स आपको पता होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप्स रिटेलर्स, बेसिकली आपको इटिनरेंट के बारे में बताना चाहिए और स्मॉल स्केल फिक्स शॉप जो रिटेलर्स होते हैं गली गली में उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स एंड मेल ऑर्डर बिजनेस, आपको तीनों के फीचर्स पता होना चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, चेन स्टोर्स हो गए, मेल ऑर्डर बिजनेसेस हो गए, तीनों के फीचर्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, 4 से 5 फीचर्स आपको मिनिमम लर्न करके जाने ही जाने हैं। साथ में आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कब ये इंप्लीमेंट हुआ था, क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है कि चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू द नेशन एंड बिजनेस फॉर्म्स, बेसिकली स्कोप क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, नेशन के पर्सपेक्टिव से हो गया या बिजनेस फॉर्म के पर्सपेक्टिव से हो गया, हम लोग क्यों करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों स्टेट द मीनिंग ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कभी इंप्लीमेंट हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर्स हैं, इंडिया इसके मेंबर है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन कनेक्शन विद इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बताना चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको बताना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पेन डाउन कर लो, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो वहां से इसको लर्न कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछो, मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, एक सब्सक्राइब करके जाओगे तो फ्यूचर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।